हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज फिर से हम बात करेंगे हमारे एसी के बारे में। ये है एलजी का ड्यूअल इन्वर्टर विंडो इन्वर्टर एसी, 1.5 टन का एसी है ये। और ये मैंने 2019 में मार्च में ख़रीदा था, तो इसके लगभग 3 साल हो गए हैं पूरे, और चौथा साल अभी चल रहा है। ठीक है, अगले साल तक इसको 4th ईयर कम्प्लीट हो जाएंगे। और आज हम बात करेंगे इसके बारे में, इसकी कूलिंग के ऊपर। तो पिछले मार्च में, मतलब मार्च के महीने में, 17 मार्च को इसकी एसी की सर्विस हुई थी, और ये तब से कंटिन्यू मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और आज है 7 अप्रैल, 7 अप्रैल है दिशु, 8 अप्रैल, आज है 8 अप्रैल। और एक दो दिन से मुझे इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, ये देखो, मैंने इसको 16 डिग्री पे सेट किया हुआ है ना टेम्परेचर को, और कूल मोड में हाई फैन स्पीड में मैं इसको चला रहा हूँ। तो पूरी रात हो गई, पूरी रात जो है इसका टेम्परेचर 26 से नीचे नहीं गया, मतलब मुझे गर्मी लगती रही, जिसकी वजह से मैंने जो ये सीलिंग फ़ैन है इसको भी ऑन किया, और इसको चला के मैं सो पाया हूँ, और बिना उसके जो है नींद नहीं आ रही थी हमें। तो आज दिन में, अब दिन में भी यही हाल है। इसमें क्या हुआ है कि मैं पिछले 1 बजे से, मतलब दोपहर के 1 बजे से अभी इसको चला रहा हूँ, और 1 बजे के बाद से जो है इसको मैंने सेम वही 16 डिग्री पर सेट कर दिया। 16 डिग्री पे सेट करने के बाद इसको हाई फैन स्पीड पे डाल दिया है। इसके बाद भी इसकी जो कूलिंग है, ये जो है 26-27 पे अटका हुआ है, 27-28 पे, 27-28 से नीचे इसका टेम्परेचर आ ही नहीं रहा है। जबकि आपने मेरी वीडियो पहले की भी देखी होंगी बहुत सारी, उसमें ऐसा नहीं था, उसमें अच्छी खासी ये कूलिंग करता था। मेरा जो पहले वाला घर है, आपने देखा होगा कितना बड़ा रूम था, इससे तो बड़ा ही था खैर, और टॉप फ्लोर था वो भी, ये भी टॉप फ्लोर है, ये 4th फ्लोर है, और वो 1st फ्लोर था टॉप फ्लोर का। तो उसमें जो है इतनी अच्छी कूलिंग इसकी हो रही थी जब ये नया नया आया था, अभी इसकी कूलिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही है। मैंने कंप्लेंट करी है कस्टमर केयर में, अभी देखते हैं वो कितने देर में आते हैं इसको ठीक करने के लिए। जैसा भी होता है मैं आपको दिखाऊंगा वो क्या कहते हैं। भैया फ़ायदा इसमें कंडेंसर, ये फ्रंट वाला है बैक वाला? अरे वो वॉशिंग भी जो करके गया है ना इस बार, उसने है ना ये जैसे खोल के वो करता था कुलदीप, तो उसने इसको कुछ नहीं हटाया, उसने बस ऐसे इसमें जेट पाइप था उसके पास एक मशीन सी, उससे उसने ऐसे यूँ लगा के ऐसे करके, क्योंकि वो तो कुलदीप तो खोलता था हर बार, सबके तरीके अलग अलग होते हैं। हाँ वो तो है। जी भैया आए हैं सर्विस के लिए, अब देखते हैं क्या होता है एसी का, कर पाता है कूलिंग या नहीं कर पाता। पीछे करूँ इसे, आराम से आराम से। आराम से भैया, कुछ टूट ना जाए, नहीं बोलेगा इसका। पावर का प्लग किचन में भी, अगर किचन में लगाना है किचन में लगा लो, एक पॉलिथीन हो रही किचन वोरी साइड में पॉलिथीन। ये दे दे, जा तू अंदर बैठ। अब ये हो चुकी है इसकी, मतलब लग लग, अब बस चेक करने रह गए हैं।
तो जी भैया फिट कर रहे हैं अभी एसी हमारा अच्छे से, धो धा के भैया ने बढ़िया कर दिया है।